और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वही सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। जी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो आप लोग की वैकेंसी 789 वैकेंसी फिजिकल समय पे हुए और आप लोग के रिटर्न एग्जाम। जी हाँ, कांस्टेबल, यदि आप लोगों ने कांस्टेबल ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया था कांस्टेबल के लिए 6 ट्रेडों के लिए, तो आप लोग के रिटर्न एग्जाम, जी हाँ 2020 की भर्ती रिटर्न एग्जाम आप लोग के 2023 में यहाँ पे ले लिए गए। 27-28 मार्च 2023 में आप लोग के यहाँ पे एग्जाम हुए। एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया, ऑनलाइन आप लोग के एग्जाम हुए। ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से काफी दिक्कत बच्चों को आई। जी हाँ, काफी दिक्कत आई और दिक्कत उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आई जिन्होंने भी क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे रेडी कर रखे थे ट्रेड टेस्ट को। ट्रेड टेस्ट को लेकर के काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों ने यहाँ पे कलेक्ट कर रखे थे कई जगहों से, पीडीएफ वगैरह इधर उधर से, वीडियोस वगैरह से क्वेश्चन देख देख के, लेकिन कुछ भी यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे आप लोग के पैटर्न को चेंज किया गया। ट्रेड का जो पोर्टल पोर्शन था उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। जीके रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश आप लोग की आई, रिटर्न एग्जाम आप लोग का हुआ, लेकिन रिटर्न एग्जाम में भी प्रॉब्लम देखने को मिली। यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए, जी नेगेटिव मार्किंग को लेकर के प्रॉब्लम देखने को मिली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। मींस फॉर्म स्टार्ट करते वक्त ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त नेगेटिव शो हो रहा है, लेकिन जब आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो उस वक्त आप लोग के नेगेटिव नहीं है, तो इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति अब भी तक बनी हुई है। जी मैं कुछ बोलूं या कोई भी कुछ बोले, आप लोग को भरोसा यानी कि आप लोगों को विश्वास तभी होगा जब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आप लोगों को डिटेल दी गई होगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है, देखिए यदि माइनस मार्किंग जैसी कोई चीज होती जब आपके एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया गया है तो उसमें आप लोगों के माइनस मार्किंग की डिटेल दी गई होती। जब पैटर्न चेंज करने की डिटेल दी गई है तो माइनस मार्किंग की भी डिटेल दी गई होती कि आप लोग की जीके रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश आने वाली है, ट्रेड के क्वेश्चन नहीं आएंगे और इसमें माइनस मार्किंग होगी। इस प्रकार से आप लोग का पूरा पोर्शन दिया गया होता यानी कि वो नोटिस इस प्रकार से होता, और यदि आप लोग का इस प्रकार का डिटेल नहीं दिया है तो ये बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इतनी बड़ी मिस्टेक डिपार्टमेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब उसने एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया है यानी कि ट्रेड के क्वेश्चन हटा दिए हैं, जीके रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश की आ रही है और उसके लिए एक नोटिस जारी किया है, तो पहले आप लोग का माइनस मार्किंग नहीं था और यदि इस बार न्यू पैटर्न में माइनस मार्किंग होती तो आपके माइनस मार्किंग की भी डिटेल दी गई होती। इस चीज को आप लोग बहुत ही इजीली सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि सर ने जो बात बोली है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल बातों में दम है। और देखिए मैंने आप लोगों को जो जानकारी मुझे मिली इंटरनल वो भी मैंने आप लोग को बताई है कि आई थिंक मुझे जो जानकारी मिल रही है आप लोग की माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए छोड़िए इन सब चीजों को, और माइनस मार्किंग है या नहीं है, आपने जैसा भी एग्जाम दिया है अब आप लोग को वेट है रिजल्ट का। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट हमारा कब आएगा, रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट की जानकारी भी मैंने आप लोग को दी है और मैं आप लोग को देखिए क्लियर कर दूं, वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। जो भी जानकारी मुझे मिलती है मैं आप लोग के साथ साझा करता हूं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया और यदि वो चीज नहीं हुई और आप लोग जो है उसको लेकर के मीन्स ऐसा सोचने लगे कि सर आपने ये बोला था वो बोला। देखिए मैं डिपार्टमेंट में नहीं बैठा हूं, मुझे भी जानकारी मिलती है, यदि ओरल रूप में जानकारी मिलती है ओरल रूप में बता देता हूं, कोई नोटिस मिलती है तो नोटिस के रूप में बता देता हूं, और नोटिस ये मान के चलिए कि यदि कोई नोटिस प्राप्त हो जाता है तो उसमें विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है, मुझे भी बहुत ज्यादा विश्वास होता है और मुझे जानकारी देते हुए भी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी उसमें विश्वास ज्यादा होता है। लेकिन अभी तक सीआरपीएफ पैरामेडिकल के रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड कोई ऐसा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है मैं आप लोग को बता रहा हूं। लेकिन लिखित में जो चीजें होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। जानकारी यही आप लोग की निकल के आ रही है कि आप लोग के जो मेंस यहाँ पे मई लास्ट में रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मिल सकता है, इसकी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज या कुछ ऐसा नोटिस अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है। तो आपको और मेरे को दोनों को ही वेट करना है या रिजल्ट के लिए, जी रिजल्ट के लिए वेट करना है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है वही आप लोग के साथ साझा करो। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही, देखिए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन निकालता रहता हूं, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही वो यही है कि मई लास्ट में यदि आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है तो जून में आप लोग का रिजल्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। जी जून में रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग का एचसीएम का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था आप लोगों को पता होना चाहिए। जी हाँ, कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टेनो की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली थी उसके रिटर्न एग्जाम का भी रिजल्ट आने वाला है और उनके ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे होने हैं।
तो इस वजह से उनके ट्रेड टेस्ट का मतलब स्किल टेस्ट, उनका स्किल टेस्ट यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, तो आपके ट्रेड टेस्ट यहाँ पे डिले होने वाले हैं पैरा मेडिकल स्टाफ के। तो रिटर्न एग्जाम भी आप लोग का रिजल्ट भी आप लोग का उसी के अनुसार देखने को मिलेगा। तो न्यूज यही निकल के आ रही है कि मई लास्ट में यदि आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो जून में आप लोग को रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और जून में आप लोग के ट्रेड टेस्ट होने की कोई संभावना, कोई न्यूज नजर नहीं आ रही, ट्रेड टेस्ट जो है आप लोग का जुलाई में ही देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो जो न्यूज थी वो मैंने आप लोग को बता दी। कंफर्म डेट जो होती है, एक डेट कंफर्म नहीं निकल के आ रही है और ना ही कोई ऐसा नोटिस आ रहा है, तो मैं आप लोग को वही चीजें बता सकता हूँ जो मुझे जानकारी के रूप में मिल रही है। जो बच्चे विश्वास करते हैं, बिल्कुल वो वेट करते हैं सर क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही, क्या नई जानकारी निकल के आ रही। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसी बहुत सी रिक्रूटमेंट चल रही है, फिजिकल होने वाले हैं, फिजिकल के नोटिस दिख रहा है लेकिन फिजिकल नहीं हो रहे, एट ए टाइम पता नहीं क्या क्या चेंजेस कर दे रहा है डिपार्टमेंट, न्यूज निकल के आ रही है आज मीटिंग होने वाली, मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि भाई पैरामेडिकल के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट देना, लेकिन फिर भी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही, मीटिंग पोस्टपोन हो जा रही है। तो देखिए ये सब चीजें चलती रहती है और जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोग के साथ साझा करता रहता हूँ। तो आप लोग को मई लास्ट और जून का वेट करना है, आपके रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आप लोग को मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में या जून में कभी भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। और ट्रेड टेस्ट आप लोग के ये कंफर्म है, जून में स्टार्ट होने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो जुलाई में ही आप लोग के ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होंगे। ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप लोग करते रहिए क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो के यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट होने हैं और उनका रिजल्ट भी यहाँ पे आना है। तो ये बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन थी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट परेशान है, इस कई क्वेश्चन ऐसे आए थे सर किस ट्रेड में जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। देखिए सफाई कर्मचारी एक पोस्ट है और वाटर कैरियर एक पोस्ट थी, आप लोग की 6 ट्रेड थी, आप लोग की मसाज की, टेबल वाइज सफाई कर्मचारी की आप लोग की वैकेंसी थी, वाशरमैन वाटर कैरियर की आप लोग की वैकेंसी थी, कुक की वैकेंसी थी। इसमें सफाई कर्मचारी और वाटर कैरियर की एक ऐसी पोस्ट है जिसमें कि आप लोगों से एक्सपीरियंस नहीं मांगे गए थे। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो घबराइए मत आप लोग को, यदि एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग का 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, 8 या 7 नंबर आप लोग को लेके आने हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोग को 8 नंबर, ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आप लोग को 7 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। और यदि एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, जितने साल का एक्सपीरियंस होगा उतने नंबर आप लोग को मिलेंगे, 5 साल तक का एक्सपीरियंस आप लोग दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों ने कुक से अप्लाई, मीन्स स्वीपर से अप्लाई किया, सफाई कर्मचारी से और वाटर कैरियर से, तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की 4 ट्रेडें हैं, मसालची, टेबल बॉय और कुक आप लोग की, वाशरमैन, इनमें आप लोग को एक्सपीरियंस चाहिए। जी हाँ, एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का 2 साल का, जितने का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होगा उतना बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहिए। ट्रेड टेस्ट की अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही, ट्रेड टेस्ट आप लोग की जुलाई में स्टार्ट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, समय है, ट्रेड टेस्ट पे फोकस कीजिए क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बारे में मैंने आप लोग बताया है क्या कट ऑफ आप लोग की रह सकती है। 45% और 40% पे आप लोग हैं तो आप लोग को यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाना चाहिए। और आप लोगों को यदि इतने नंबर बैठ रहे हैं तो बिल्कुल ट्रेड टेस्ट की तैयारी में आप लोग लग जाइए। आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसको सोच करके आप लोग टेंशन में मत रहिए। सिर्फ आप लोग अपने कर्म, जी हाँ कर्म आप लोग करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। और एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से जुड़े रहिए। जी हाँ, इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए जो रियल और जैसी जानकारी है वो मैंने आप लोग के साथ साझा कर दी। नोटिस होती नोटिस दिखा देता, इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो बता दे रहा हूँ, जो चेंजेस होती है वो भी जानकारी मैं आप लोग के लिए लेके आ जाता हूँ। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो टाइम। बट चैनल से पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आपको। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।